एनर्जी कैसे लिखेंगे आप? Ex, y, z. क्या हो गया? n x square, x square a m a square, n y square, a square over a m b square plus n z square a square over a m. ठीक है, इसको आप यूं लिख सकते हैं. अगर मैं सिर्फ पे दे दूंगा तो आपको अलग लिखने आने चाहिए.
उसको आप यूं भी देख सकते हैं। बाकी आपका जो देखते हैं सारे ये पार्ट भी ऐसे होते हैं, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे। तो क्या होगा साइन ऑफ एन एक्स पाई एक्स को ले साइन ऑफ एन वाई पाई वाई को बी साइन ऑफ एन जी पाई जी को सी इस तरह देख सकते हैं। ये आपका मगर एक चीज है ये टाइम भी डिपेंडेंट है तो इसको कहते हैं स्टेशनरी वेव्स स्टैटिक वेव्स। ठीक है तो इसको स्टेशनरी वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, स्टेशनरी वेव इक्वेशन फॉर वन पार्टिकल इन बॉडी ऑफ कॉन्फियर फर्स्ट शेड में है उसकी एनर्जी इक्वल होगी। जब